देवीपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। मोहन की किराने की दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान थी। वह दुकान काफी अच्छी चलती थी क्योंकि मोहन की दुकान पर हर चीज अच्छी क्वालिटी की मिलती थी। मोहन की दुकान से काफी अच्छी कमाई होती थी। उसका घर भी गांव का सबसे अच्छा और बड़ा घर था और घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु मोहन कभी भी अपनी दुकान से किसी को उधार पर या मुफ्त में कोई चीज नहीं देता था। चाहे कोई कितना भी मजबूर हो या कोई गरीब बिना पैसे के उसकी दुकान से कुछ मांग ले, पर मोहन बिना पैसे लिए कोई चीज नहीं देता था। एक दिन मोहन की दुकान पर उसका पड़ोसी दीनानाथ आया और उससे कुछ सामान उधार मांगने लगा। अरे भैया, मुझे घर के लिए कुछ राशन चाहिए था। घर में सामान खत्म हो गया है भैया, परंतु मेरे पास पैसे नहीं है। दो चार दिनों में जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा भैया। देखो भाई, मेरी दुकान पर सब चीजें बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, परंतु मैंने एक उसूल बना रखा है कि मैं उधार नहीं देता, समझे? अरे भाई, मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, क्या तुम मुझे भी उधार नहीं दोगे? तुम जानते हो कि मैं दो चार दिन में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा भाई। दीनानाथ के बहुत कहने पर भी मोहन उसे उधार नहीं देता। देखो भाई, उधार के लिए मुझे माफ करो, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब आकर सामान ले जाना, ठीक है? गांव के लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। ये जानकर भी लोगों को उधार नहीं देता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग मोहन को समझाते हैं। देखो बेटा मोहन, तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तुम्हें थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए बेटा। यदि तुम बड़े बड़े दान नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को उधार पर सामान देकर ही मदद कर दो, वे लोग तुम्हें दुआएं देंगे बेटा। मोहन सबकी बातें सुनता परंतु वह अपने उसूल को नहीं तोड़ता। सारा गांव उसकी इस आदत को जानता था। वहीं दूसरी ओर गांव के दूसरे छोर पर एक धर्मशाला थी। धर्मशाला में दिन में कई भूखे लोग आते और उन्हें वहां भरपेट खाना मिलता। उस धर्मशाला में गरीबों के लिए मुफ्त खाना दिया जाता और बहुत से गरीब लोग रोजाना वहां से खाना खाते। उस धर्मशाला में चार लोग खाना बनाने के लिए रखे गए थे और जनक उस धर्मशाला का संचालक था। चाहे कोई गांव का हो या गांव से बाहर का अजनबी, यदि कोई भी भूखा वहां आता तो उसे खाने को दिया जाता। लोग खाना खाकर बहुत सी दुआएं देकर जाते। गांव के सभी लोग उस धर्मशाला चलाने वाले को बहुत सी दुआएं देते थे। अरे भैया, भला हो इस धर्मशाला चलाने वाले का, जो ना जाने कितने ही भूखे लोगों का पेट रोज भरता है। कितने भूखे लोग खाना खाने के बाद उसे दुआएं देते हैं, भाई भगवान उसका भला करे। जनक उस धर्मशाला की देखरेख करता था। मोहन का बेटा अनिल गांव के स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मोहन ने घर में कोई कमी नहीं रखी हुई थी, परंतु उसकी बीवी राधा और उसका बेटा अनिल उससे इस बात से नाराज रहते थे कि वह इतना पैसा होते हुए भी किसी प्रकार का दान नहीं करता। एक दिन अनिल अपनी माँ से कहता है, माँ, भगवान ने पिताजी को कितना पैसा दिया है, उन्हें चाहिए कि थोड़ा बहुत दान किया करें। गांव में लोग उनके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। हाँ बेटा, मैं भी उन्हें कई बार समझा चुकी हूँ, परंतु मेरी बात वह बिल्कुल नहीं सुनते। अब देखो, गांव के छोर पर जो धर्मशाला है वहाँ कितना दान पुण्य जाता है और कितने भूखे लोग रोजाना वहाँ खाना खाते हैं। उतना दान ना सही, परंतु थोड़ा बहुत दान तो तुम्हारे पिताजी को भी करना चाहिए। इससे लोगों की दुआएं मिलती हैं और कितना नाम होता है। तभी मोहन वहाँ आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। देखो, मुझे शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो करना है वो मुझे पता है। क्या तुम लोगों को मैंने कभी कोई कमी होने दी?
और दान पुण्य का दिखावा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी ऐसी बातें सुनकर अनिल और राधा चुप हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वह अपने पिताजी को नहीं समझा पाएंगे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गांव की धर्मशाला खूब बढ़िया चल रही थी और बहुत से भूखे लोग वहां खाना खा रहे थे और इस तरफ मोहन के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आ रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गांव के लोग उसे क्या कहते हैं। गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे कि कितना कंजूस है भाई, हैं? भगवान को ना मानने वाला आदमी है भैया, इसके मन में कोई भी दया भाव नहीं है रे। अरे ये कभी भी बिना पैसे के किसी को कुछ नहीं देता। बताओ, भगवान न करे इस पर यदि कोई संकट आ गया तो ये किसी की दुआओं में भी नहीं आएगा। हाँ। एक दिन अचानक मोहन की तबीयत खराब हो जाती है और वह दुकान पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। दुकान पर खड़े ग्राहक तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाती हैं, जहां डॉक्टर उसे जांच करने के बाद बताता है कि उसे लकवा मार गया है। अब मोहन ना तो बोल सकता था और ना ही चल फिर सकता था। गांव में मोहन के बीमार होने की खबर आग की तरह फैल जाती है। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई अगर इसने कुछ दान पुण्य किया होता है तो आज किसी की दुआ भी लग जाती है, है कि नहीं? परंतु इसने तो कभी किसी की मदद नहीं की भैया, और ना ही एक पैसे की चीज किसी को मुफ्त में दी है। अब तो भगवान ही इसका मालिक है भाई। इस तरह गांव में लोग तरह तरह की बातें करते रहते। मोहन के इस तरह बीमार हो जाने के बाद दुकान पर काफी नुकसान होने लगा और गोदाम में पड़ा सामान भी खराब होने के कगार पर आ गया। मोहन कुछ बोल नहीं पा रहा था जिससे कि वह अपने बेटे को कुछ समझा पाता। वह कुछ कहना चाहता था परंतु वह लाचार था। राधा अपने बेटे अनिल से कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी तो बिस्तर पर पड़ गए हैं, उनका दुकान पर जाना नामुमकिन है। अब तुम्हें ही दुकान संभालनी होगी वरना हमें बहुत घाटा हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था, अब दुकान पर मुझे ही जाना पड़ेगा वरना इस तरह तो सारा सामान खराब हो जाएगा और फिर घर खर्च और पिताजी के इलाज के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। मैं कल ही दुकान पर जाकर सब कुछ देखता हूँ। मोहन के बीमार होने के कुछ दिनों बाद गांव की धर्मशाला भी बंद हो जाती है। जनक वहां ताला लगाकर कहीं चला जाता है। सभी लोग बहुत हैरान होते हैं, इतने सालों से यह धर्मशाला एक दिन भी बंद नहीं हुई, परंतु अचानक ऐसा क्या हो गया जो इस धर्मशाला पर ताला लग गया। गांव वाले सोच सोच कर बहुत परेशान थे, परंतु वह पूछते भी तो किससे पूछते। अब धर्मशाला पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। उधर अनिल अपने पिताजी की दुकान पर काम करने लगा और उसने दोबारा से दुकान संभाल ली। अनिल पढ़ा लिखा था इसलिए सभी बही खाते और सब हिसाब आसानी से समझ गया था। उनकी दुकान पर एक पुराना वफादार नौकर था जो उसके पिताजी के पास काफी सालों से काम कर रहा था। अनिल पुराना बही खाता देख रहा था तभी उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी जिस पर जनक का नाम लिखा हुआ था और नीचे हिसाब में कुछ रुपयों का जोड़ तोड़ था। वह बहुत हैरानी से देखने लगा, आखिर धर्मशाला वाले जनक का पिताजी से क्या लेना देना। काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार उसने उस पुराने वफादार नौकर को बुलाया और उससे पूछा, अब क्या आप जानते हैं कि पिताजी धर्मशाला बनाने वाले जनक को हर महीने इतने पैसे क्यों भेजते थे? नौकर चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। अनिल के दोबारा जोर देने पर उसने बताया, बेटा मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वो काम करने वाले सभी नौकरों को अच्छी खासी तनख्वाह देते थे और जरूरत पड़ने पर मदद भी करते थे।
परंतु वो नहीं चाहते थे कि उनकी मदद लोगों के सामने जाहिर हो। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि धर्मशाला में जितने भी लोग खाना खाते थे वो सब भी तुम्हारे पिताजी ही करते थे। गांव वाले न जाने उनके बारे में कितनी बुरी बुरी बातें करते रहे, परंतु उन्होंने कभी भी अपनी इस अच्छाई को लोगों के सामने जाहिर नहीं किया। वो कहते थे कि इंसान अच्छा काम करे परंतु उसका ढिंढोरा ना मचाए। नौकर के मुंह से ये बातें सुनकर अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मन ही मन बहुत पछताने लगा। उसने अपने पिताजी को कितनी बातें सुनाई थी। वह मन ही मन अपने पिताजी के कामों पर गर्व महसूस करता है। और अगले ही दिन से दोबारा से धर्मशाला में गरीबों के लिए खाना शुरू करवा देता है। अनिल जनक को अपने पास बुलवाकर उसे समझाता है। देखो भैया, मेरे पिताजी ये धर्मशाला चलाते थे, परंतु किसी को भी इसकी कोई खबर नहीं थी। उनका नाम कहीं पर भी नहीं आता था। उन्हें ये पसंद नहीं था कि उनके किए गए दान के बारे में कोई जाने। अब वो बहुत बीमार हैं और कुछ कह भी नहीं पा रहे, परंतु मुझे पता चल गया है इस धर्मशाला का सारा खर्च मेरे पिताजी ही उठाते थे। अब मैं दोबारा से इसे शुरू करना चाहता हूं। पहले की तरह से ही काम शुरू करवा दीजिए और भूखे और जरूरतमंद लोगों के लिए खाना बनवाना शुरू कीजिए। मैं हर महीने पहले की ही तरह पैसे भेज दिया करूंगा, परंतु ध्यान रहे जैसा काम पिताजी करवाते थे वैसा ही होना चाहिए। और किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि काम कौन करवा रहा है। जी जैसा आप कहें। पहले भी सेठ जी ने मना किया था, इसलिए आज तक ये बात किसी को भी नहीं पता चली। आगे भी मैं किसी से नहीं कहूंगा। सेठ जी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। भगवान उन्हें स्वस्थ करे। इस तरह कुछ ही दिन बीतते हैं और मोहन की तबीयत ठीक होने लगती है। मोहन के घर वाले बहुत खुश होते हैं। मोहन का डॉक्टर अनिल से कहता है, ये तो एक चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे मरीज मैंने ठीक होते नहीं देखे, परंतु तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी ठीक हो गए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अनिल मन ही मन समझ गया था, आखिर नेकी का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। मेरे पिताजी ने न जाने कितने गरीबों और भूखे लोगों को खाना खिलाया, जिनकी दुआएं उन्हें लगी, और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इसके बाद से मोहन और उसके बेटे अनिल के अलावा यह बात कोई नहीं जानता था कि धर्मशाला में खाना कौन भेजता है। धर्मशाला पहले की ही तरह रोजाना भूखे लोगों का पेट भरना शुरू कर देती है। मोहन पहले ही की तरह धर्मशाला चलाता रहता है, परंतु गांव में अभी भी किसी को नहीं पता था कि वहां का खर्चा आखिर कौन उठाता है।